और बिष्टुपुर स्थित निर्मल भवन में झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के विद्युत उत्पादन दर निर्धारण हेतु जन सुनवाई की, जिसमें आयोग के चेयरमैन मुख्तार सिंह और टाटा पावर तथा टाटा स्टील के कंज्यूमर भी मौजूद थे। जन सुनवाई में आयोग के चेयरमैन मुख्तार सिंह, सदस्य टी मुनि कृष्णा मया ने कंज्यूमर टाटा पावर और टाटा स्टील के दलीलों को सुना। इस संबंध में आयोग के चेयरमैन मुख्तार सिंह ने कहा कि जन सुनवाई के निर्धारण के लिए सभी पदाधिकारी व कंज्यूमर अपना सुझाव व लेखा जोखा देने उपस्थित हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सबों की बातें सुन ली गई है। बिजली बोर्ड की सुनवाई झारखंड विद्युत विभाग कर चुकी है और डीडीसी की सुनवाई भी जल्द हो जाएगी। उसके बाद विद्युत दर तय की जाएगी। लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 11-12 के लिए दर निर्धारण के लिए अपना प्रस्ताव दिया है। आयोग उसकी समीक्षाएं कर रहा है और उसी क्रम में आज यहाँ पर जन सुनवाई रखी गई थी। आप सभी जानते हैं कि टाटा पावर ज़्यादातर अपनी बिजली टाटा स्टील को देता है, तो टाटा स्टील के भी पदाधिकारी उपस्थित हैं और दूसरे कंज्यूमर्स की तरफ से भी कुछ लोग हाजिर हैं, तो सभी की बात सुनी गई है और जो भी उन्होंने लेखा जोखा दिया है उसको बहुत बारीकी से आयोग देखेगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो दर निर्धारण की एक प्रक्रिया है उसमें बहुत सी बातों को हम लोग ध्यान देते हैं, उनके खर्चे जायज हैं या नहीं हैं, उन्होंने जो अपना प्रस्ताव रखा गया है वो नियमानुकूल है या नहीं है, इन सारी बातों को ध्यान में रख कर के ही और उपभोक्ता के हित को ध्यान में रख कर के ही दर का निर्धारण आयोग करता है।